सो जैसे कि आपने सिनेमैटिक लुक देख ही लिया है और आपको आई एम श्योर अच्छा लगा होगा। सो ये लाइट्स मैंने मंगाई है, अनबॉक्सिंग वगैरह क्या ही दिखाया इसके बारे में। सो ये लाइट के बारे में डिटेल्स वगैरह, प्राइसिंग वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगा। और सबसे पहले तो सॉरी आप लोगों को क्योंकि इतने लेट वीडियो आ रही है, थोड़ा सा यार आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड मेरा चेंज हो चुका है, वो इसलिए क्योंकि मैं शिफ्ट वगैरह कर रहा था और इसलिए थोड़ा टाइम लग गया और ये सब एकॉस्टिक शीट्स वगैरह लगाने में। एक्चुअली लाइट अब आ गई है और फटाफट से इसके अंदर वीडियोस वगैरह आया करेगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब। लाइट के साथ हमें क्या क्या फीचर मिलता है, देखो लाइट के साथ आपको बैटरी वगैरह और जो क्लिप माउंट्स वगैरह होती है वो आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ में आपको रिमोट वगैरह मिल जाएगा। और इस लाइट की खास बात ये है कि ये लाइट येलोइश से वाइट में हो जाएगा और वाइट से येलोइश में हो जाएगा, प्लस आप रिमोट से ही ब्राइटनेस वगैरह ऑन या ऑफ कर सकते हैं। 2500 की रेंज में मेरे को लाइट मिली है तो आई एम श्योर कि आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और फटाफट से लाइट को इंस्टॉल करते हैं और दिखाते हैं कि लाइट की ब्राइटनेस कितनी है और किस तरीके से है और कितनी ज़्यादा है, कम है, जो भी है। ये कोई वीडियो नहीं है, सब आपके सामने ही होगा। अभी मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं पूरे के पूरे स्टूडियो की लास्ट में या फिर बीच में कहीं पे भी आपको दिखा सकता हूँ कि कैसा आउटपुट आने वाला है। मैं बैकड्रॉप की लाइट्स वगैरह ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ तो अभी मैं दिखाऊंगा। और इसके अलावा जो डब्बे वगैरह में आया है वो आप खोल के देख ही लेना, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, कागज वगैरह मैनुअल वगैरह है। सो मैनुअल वगैरह कुछ इस तरीके से है, कुछ है नहीं ज़्यादा, मतलब ठीक है। डब्बे को रखते साइड में इसको, सॉरी। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये रही हमारी लाइट, उसकी हाइट कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो यहाँ पे है। तो लाइट की हाइट आपको इतनी ही मिलेगी, मतलब आप ऑब्वियसली इसके जो बॉल हेड है उसको आप मतलब लूज करके आगे पीछे कर सकते हो। थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूँ, इस तरीके से आप मोड़ मार सकते हो जहाँ पे भी आपको मतलब ऊपर से ड्रॉप करना है। ऑब्वियसली मैं नीचे बैठूंगा यहाँ पे टेबल में, तो ऊपर से जो ड्रॉप आएगी वहाँ से मेरे को जहाँ पे भी फेस में देना है वो कर मैं सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए इसको ऊपर कर देते हैं और थोड़ा सा दिखाते हैं, ये है लाइट्स, ठीक है। अब इसके स्विच को ऑन करते हैं, बेस्ट पार्ट ये है कि आपको यहीं पे स्विच मिल जाएगा, एक स्विच यहाँ पे है, तो स्विच को ऑन करते हैं और यहीं से आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो कि लाइट ऐसी है। अभी बेटर सेटिंग्स के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये कैमरे के ISO को 100 रखने वाला हूँ ताकि ये अपने आप से सेटिंग ना करे और आपको पता चल जाए कि लाइट की कितनी ब्राइटनेस वगैरह है। तो जैसा कि आपको अंधेरा थोड़ा सा लग रहा होगा, मतलब ये क्योंकि अभी मैंने ISO को 100 कर दिया है, मतलब एक नॉर्मल सी सबसे कम ISO में करने से क्या होगा कि जो पिक्सल होते हैं ना वो आपके फटते नहीं है, मतलब वो जो क्या बोलते हैं वो टीवी में झिरझिर झिरझिर आता है ना वो सी नहीं होता। तो इस वजह से ISO को कम रखे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये रही लाइट, आप देख सकते हो ये रही, और मैं रिमोट उठा लेता हूँ, ये रहा रिमोट। और रिमोट का फंक्शन वगैरह जो ऑन ऑफ का बटन है उससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, इस तरीके से ऑफ हो जाएगा और इस तरीके से ऑन हो जाएगा, सबसे बेस्ट पार्ट ये है। और दूसरी चीज़ है कि आपको यहीं से ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ से ब्राइटनेस कम ऊपर वाला और नीचे वाला, मतलब अगर राइट वाला भी करते हो तो भी इस तरीके से काम करता है, ठीक है। लेफ्ट वाला करोगे तो भी ब्राइटनेस कम हो जाएगा और राइट वाला बटन दबाओगे तो भी ब्राइटनेस हो जाएगा। तो ये जो चार सर्कल वाला है, मतलब गोल गोल सर्कल, उससे हो जाएगा, ठीक है। और जो CT- और CT+ वाला बटन है उसका रूप एकदम पीलाइश होता है, मतलब पीला पीला हो जाता है, आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर मैं इसको माइनस में लेके जाता तो येलोइश येलोइश वाली फीलिंग आ रही है, और प्लस में लेके जाता तो पूरा ब्राइट व्हाइट हो जाता है। सेक्शन वगैरह, मतलब अगर आपको एकदम से चेंज करना हो व्हाइट से येलो, येलो से व्हाइट, तो आप ये सेक्शन वाले बटन से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग फ्रंट में मारते हैं ऐसे करके ताकि आपको पीछे का बैकड्रॉप समझ आएगा कि किस तरीके से हो रहा है। तो हम लोग लाइट को कुछ इस तरीके से रख देते हैं, अभी ये ब्राइट व्हाइट है, इसके बाद ये इस तरीके से ऑरेंज ऑरेंज टाइप का या येलोइश जो भी आप बोलते हो वो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से लाइटनिंग वगैरह करते हो। तो ये है पूरा का पूरा लाइट का इफेक्ट वगैरह जो भी है, मतलब जो भी अगर मैं सामने से ऐसे करता हूँ पीछे से ऐसे करता हूँ, मतलब ब्राइटनेस वगैरह आपको कितनी चाहिए वो आपको मिल जाएगी, मतलब मोर देन इनफ है आपके लिए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास बैकड्रॉप है तो आप उसको ख़राब भी नहीं करना चाहोगे इतना ज़्यादा लाइट मार के। मेरे को ये लाइट चाहिए थी ताकि मैं अपने यूट्यूब वगैरह वीडियोस वगैरह बना सकूँ। अभी मैं थोड़ी देर में आपको सेटिंग्स वगैरह दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लाइट के एडजस्टमेंट और बैकड्रॉप को करने के बाद आपकी आउटपुट क्या निकलती है। और अगर हम लाइट चेंज करते हैं सो इट विल लुक लाइक दिस टू इट विल लुक लाइक दिस। सो इस तरीके की लाइटनिंग आपको देखने को मिलती है, मतलब बैकड्रॉप वगैरह मैंने लगा दिया है, थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा। तो इस तरीके से आपको लाइट्स वगैरह मिल जाएगी, मतलब आप अपने यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह बना सकते हो या फिर अपने
गेमिंग वगैरह कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली आपको ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए क्योंकि वरना वो बैकड्रॉप ख़राब कर देगा। तो अभी मेरी पूरी सेटिंग हुई नहीं है, जब सेटिंग हो जाएगी तो भी आपको दिखाऊंगा कि लाइट्स कहाँ पे ज़्यादा अच्छी आ रही है। अभी जाने से पहले मैं इसके थोड़ी सी बॉडी वगैरह के बारे में बता दूँ। तो देखो बॉडी जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है और इतनी ज़्यादा वीक भी नहीं है, बॉडी सो है, मतलब इतनी ज़्यादा हैवी प्लास्टिक नहीं है। अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि भाई बॉडी स्ट्रांग मिलेगी तो 2500 रुपये में तो आपको वो मिलने से रही। दूसरी बात ये है कि स्टैंड इसका आपको फर्स्ट क्लास मिलेगा, स्टैंड में कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंड स्ट्रांग है, ठीक है, और लाइट्स भी सही है। लाइट्स यार देखो LED पैनल आपको इतने सस्ते में मिल रही है तो, और ऊपर से आपको रिमोट भी मिल रहा है तो और क्या ही चाहिए आपको। तो मेरे को ये लगता है कि सही है यार, ये सब चीज़ एक डील में मिल रही है आपको। और अगर आपको नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ पे ठोक दो उंगली और आपको ले जाएगा पेज में, वहाँ से जाके डाउनलोड परचेज जो भी करना है कर लेना, तो ये आपके ऊपर है। सो एनीवेज गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कर देना ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन हो आपको जरूर मिले और हमें भी बहुत मोटिवेट मिलता है। और अगेन सॉरी कि इतनी लेट वीडियो आने के लिए, बट अब से वीडियोस जल्दी आया करेगी, अभी ट्यूटोरियल वगैरह भी आने शुरू होंगे तो बहुत सारे स्क्रिप्टेड अभी दिमाग में है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि इससे मोटिवेशन हमें मिलता है और हम लोग इस तरीके की वीडियो लाते रहते हैं। सो बाय गाइज और जय हिंद।